प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की आजादी के लिए, हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर कुर्बान हो चुके हैं। आज से 2023 साल पहले प्रभु ने अपनी कुर्बानी संपूर्ण मानव जाति के लिए दी, ताकि मनुष्य, ताकि इंसान जो पाप से पीड़ित है, पापों से घिरा हुआ है, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो परेशानियों से घिरा हुआ है, जो निराशाओं से घिरा हुआ है, उस संसप मनुष्य को अपनी कुर्बानी के द्वारा, क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा आजादी को प्रदान करें, ताकि उस आजादी के द्वारा वो उस पाप के द्वारा आने वाले दुखों से आजाद हो सके, उन श्राप के बंधनों से वो आजाद हो सके, और परमेश्वर की आजादी को जो क्रूस से मनुष्य जाति को मिलती है, हम सबको मिलती है, उस आजादी को हम अपने जीवनों में महसूस करें और परमेश्वर के आनंद को हम अपनी जिंदगियों में प्राप्त करें। हालेलुया। उसके लिए यीशु मसीह 2023 साल पहले क्रूस पर कुर्बान हो चुके हैं। हालेलुया। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुखों से पीड़ित होकर, बंधनों से, श्रापों से, परेशानियों से पीड़ित होकर प्रभु के पास में हम आए और हमने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, अपने आप उसके चरणों में समर्पित किया और परमेश्वर के भवन में हम लगातार जुड़ते रहे, आते रहे, लगातार हम चलते रहे। कुछ समय तक हमने प्रभु के आनंद को महसूस किया, एक आजादी को हमने महसूस किया, और उसके बाद में, कुछ समय के बाद में फिर से उस आनंद की कमी दिखने लगती है, उस जॉय की कमी जो क्रूस के द्वारा हमें मिलता है, हमें उसकी कमी अपने जीवन में लगने लगती है। हम सोचते हैं कि अब ये दुख क्यों, अब ये पीड़ा क्यों, अब ये श्राप क्यों, अब ये निराशा क्यों, अब ये दुख क्यों मेरे जिंदगी में, जब यीशु क्रूस पर कुर्बान हो चुका है, मेरे लिए अपनी जान दे चुका है, मैंने विश्वास भी किया है, लेकिन प्रभु अब क्यों, अब ये दुख मेरे जीवन में क्यों, अब ये निराशाएं, अब ये अंधेरा मेरी आंखों के सामने क्यों है। इस प्रकार हम सवाल करते हैं और इस प्रकार का समय हम में से बहुतों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा। क्या आपने किया है आप लोगों ने? ओके। लेकिन जब हम अपने जीवन में उन पुराने दुखों को फिर से अपने जीवन में हम महसूस करते हैं, हमारे जीवन का आनंद खत्म होता जाता है, हम परमेश्वर से बोलते हैं कि क्यों, क्या परमेश्वर में कमी है, क्या परमेश्वर में कमी है, हमें जीवनों में उस आनंद में लगातार चलाने के लिए जो उसने क्रूस से में दिया, क्या वो कमजोर है, क्या ये परमेश्वर की कमी है? बताइए, नहीं, ये कमी हमारी है। हम क्यों अपने जीवन में फिर से कुछ समय के आनंद के बाद, शुरुआती जोश में जब प्रभु के साथ साथ हम चलते हैं, उस आनंद को महसूस करते हैं, कुछ समय के बाद क्यों फिर हम उसको महसूस करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम पूरी तरह से अपने पुराने जीवन से पीछा नहीं छुड़वाते हैं, हम पूरी तरह से अपने पुराने जीवन से दूर नहीं होते हैं, प्रभु में चलते हैं, मसीह में चलते हैं, कलीसिया में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के किसी क्षेत्र में, किसी हिस्से में हम अपने पुराने जीवन के साथ में जुड़े रहते हैं, गुप्त रीति से हम अपने पुराने जीवन से कहीं ना कहीं हम जुड़े रहते हैं, और पुराने जीवन के साथ में पूरी तरह से दूर ना होने के कारण हम उस आनंद को जो क्रूस पर हमें मिला है उसकी कमी को महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने पुराने जीवन के में फंसे रहकर धीरे धीरे करके फिर से हम पुराने जीवन की ओर जाने लगते हैं और प्रभु की शांति हमारे जीवनों से खत्म होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि हम ऐसा होने देते हैं, हम अपने पुराने जीवन से निकलते नहीं हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, उनको हम लगातार करते रहते हैं। बस फर्क इतना होता है
कि पहले ज्यादा करते थे अभी थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन पाप तो पाप होता है ना। पहले खुलेआम करते थे, आजकल थोड़ा गुप्त रीति से करते हैं, ऐसे होता है। पहले थोड़ा खुलेआम करते थे, आजकल थोड़ा सा गुप्त रीति से करते हैं, लेकिन प्रभु तो कहता है चाहे हम गलती पाप अंधेरे में करें या ज्योति में, वो तो देखता है, हम उससे छिप नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। भजन 139 में जिस प्रकार दाऊद कहता है तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, हम उससे भाग नहीं सकते, हम उससे छिप नहीं सकते। परमेश्वर हमें देखता है, चाहे अंधेरे में पाप करें चाहे उजाले में, उसकी नजर हमारे ऊपर है। गुप्त रीति से करते हैं पाप, पहले थोड़ा अलग रीति से करते थे, अब हम थोड़ा सा अलग रीति से करते हैं। तो उस आनंद की कमी हमारे जीवन में होती जाती है क्योंकि पूरी तरह से हम उससे दूर नहीं हो रहे। और तीसरे अध्याय के अंदर पौलुस उसी बारे में बात करता है कि पुराने जीवन को त्याग दो और नए जीवन को धारण करो। पुराना जीवन है हमारे जीवनों में अशांति को लाने वाला, हमारे जीवनों में पापों को लाने वाला हमारा पुराना जीवन है। हम प्रभु में आके कुछ समय तक सही चलते हैं, उसके बाद पुराने जीवन में वापस लौटने लगते हैं, तो फिर हम शैतान के डंक को, शैतान की मार को हम अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। और हम ये ना देखें कि मैं खुद मेरी कमी के कारण ही हो रहा है। कई बार हम ये कहने लग जाते हैं प्रभु क्यों, ऐसा क्यों। हमें खुद को देखना चाहिए कि हम किस तरह से हम अपने जीवन में चल रहे हैं। क्या मेरा जीवन अच्छा है, क्या मेरा आत्मिक जीवन सही चल रहा है, क्या मेरा प्रभु के साथ संबंध अच्छा है। पुराने जीवन के साथ जुड़े रहने के कारण ही हम अपने जिंदगी में दुख को, पीड़ा को, बंधनों को, श्रापों को, कष्टों को हम महसूस करते हैं पुराने जीवन के साथ जुड़े रहने के कारण। नया जीवन तो प्रभु में एक अद्भुत जीवन है, आनंद से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया। और नए जीवन में जब हम चलते हैं, दुख परेशानी संकट फिर भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो जब हम नए जीवन में प्रभु के साथ मिलकर चलते हैं, उस नए जीवन में प्रभु के साथ एक संबंध में होकर चलते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख हमारे जीवन को निराश नहीं कर सकता। और हम नए जीवन में हमारी भाषा ये होती है कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे जीवन के संघर्षों से भी महान है, मेरे जीवन के कष्टों से भी महान है। हालेलुया। हम अपने जीवन के दुखों में भी परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की शांति को अद्भुत रीति से महसूस कर सकते हैं जब हम नए जीवन में प्रभु के साथ में चलते हैं। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को देखेंगे, जब हम अपना जीवन प्रभु को दिया उस समय में और आज के समय में अपने जीवन में हम कहां पर हैं, कितना अंतर हमारे जीवनों में आ गया। और आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में परेशानियां, ये दुख, ये पीड़ाओं को आप क्यों सामना करते हैं, बीमारियों को क्यों सामना करते हैं। बहुत से बीमारियां पाप के कारण भी होती है, वचन में बताता है। इसलिए पौलुस इनको कहता है पुराने जीवन को त्याग दो। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। ये कह रहा है कि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए, 2:12 में भी जब हम देखते हैं, और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ जिलाई भी गए, ये उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ पर है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। और एक में कहता है तुम मसीह के साथ जीवित किए गए, ना ही हमें हमारा पुराना जीवन मसीह में दफनाया गया, खत्म किया गया, मार दिया गया,
बल्कि हमें मसीह में एक नया जीवन भी हमें दिया गया है। हालेलुया, एक ऐसा जीवन जो पाप से आजाद हो चुका था, एक ऐसा जीवन जो प्रभु के आनंद से भर चुका था, एक ऐसा जीवन, नया जीवन मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया गया, हमें दिया गया है। हालेलुया, इसलिए कहता है तो तुम उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, क्योंकि तुम्हें नया जीवन दिया गया है, पुराना जीवन खत्म किया गया है, इसलिए तुम अपने नए जीवन के अनुसार अपने जीवन में तुम चलो, उन वस्तुओं की खोज करो जो स्वर्ग की है, यानी कि उन चीजों के ऊपर, उन कामों के ऊपर आप अपने मन को लगाओ जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, उन चीजों के ऊपर, उन बातों के ऊपर, उन कार्यों पर तुम अपना मन लगाओ, पुराने जीवन के ऊपर नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है। इस संसार पर की चीजों पर नहीं, इस दुनिया में की चीजों पर नहीं, इन चीजों पर मन मत लगाओ, पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर मन नहीं लगाओ। क्यों मत ना लगाए? क्योंकि ये नाशवान है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगी, ये नाश हो जाएंगी। हम उन चीजों को पकड़ते पकड़ते जो नाश होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि उस अविनाशी जीवन को हम खो दें। पृथ्वी पर की चीजों पर मन नहीं लगाओ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाओ, क्योंकि तुम मर चुके हो। जब हम अच्छे प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन कार्यों को करते हैं जो प्रभु को अच्छा लगता है, तब हम ये गवाही देते हैं, प्रभु ने मेरा जीवन खत्म कर दिया, अब जो मैं जीवन जीता हूं वो मेरा नया जीवन है। हालेलुया, और उस जीवन को हम अपने चरित्र के द्वारा, अपनी बोली भाषा के द्वारा, अपने जीवन को जीने के द्वारा हम प्रकट करते हैं। हालेलुया, नया जीवन जो मसीह में हमें मिला है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, सांसारिक वस्तुओं में नहीं। और आज भी हम कई बार अपने जीवन में इस प्रकार जीते हैं जैसे कि हमेशा इधर ही रहना है ना। आज भी संसारिक चीजों के प्रति इस प्रकार दौड़ते हैं, दिन रात एक करते हैं जैसे कि हमेशा इधर ही रहना है। याद रखिए, ये संसार की चीजें नाशवान है, खत्म हो जाने वाली है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, वो जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ में हमें मिलेगा। हालेलुया, इस संसार की झूठी भाग दौड़ से, इस संसार की नाशवान वस्तुओं से बचने की कोशिश करें, कोशिश नहीं बचे, क्योंकि जीवन इन चीजों में नहीं, जीवन इस संसार में के धन में नहीं है, इस संसार में के आनंद में नहीं, ये कुछ पल का है, खत्म हो जाएगा। हमारे चारों ओर की चीजों को अपना संसार बना लिया है और ऐसे जीते हैं जैसे कि हमेशा मुझे इधर ही रहना है, ऐसा हमारा बिहेवियर होता है, ऐसा रवैया होता है जैसे कि बस मैं अमर हूं, मैं कभी खत्म होने वाला नहीं हूं। नहीं, एक ही बार जीवन मिलता है, वचन कहता है, उसके बाद हमारा नया होना बाकी है, हमें जाना है प्रभु के साथ में। कैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, जीवन मसीह में है, जीवन संसार में की चीजों में नहीं है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, आने वाले समय में, भविष्य में प्रकट होगा, इस संसार के अंदर वो आएगा, इस संसार का न्याय करने के लिए। उस समय वो लोग उसके साथ में होंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन उसे दिया है, और कहता है उसकी महिमा में तुम प्रकट किए जाओगे, हम सब उसकी महिमा में प्रकट किए जाएंगे। और पौलुस कहता है अपने पुराने जीवन को त्याग दो, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा है। मसीह में आने के बाद भी व्यभिचार में फंसे हुए हैं, इसलिए नए जीवन की आनंद को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते, व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार है क्या? व्यभिचार शादीशुदा होते हुए भी दूसरे के साथ, किसी और स्त्री के साथ में संबंध रखते हैं, वो व्यभिचार है।
विवाह से पहले, शादी से पहले किसी लड़की के साथ में शारीरिक संबंधों को स्थापित करते हैं, वो व्यभिचार है। और व्यभिचार के बारे में बाइबल बहुत ऊंचे दर्जे की बात करती है। वो क्या है व्यभिचार? हम तब नहीं करते जब हम शारीरिक रीति से उसे अंजाम देते हैं। बाइबल कहती है जब तूने किसी स्त्री को अपनी नजरों से, बुरी नजरों से, बुरी भावनाओं के साथ में तूने देखा, कामना के साथ, वासना के साथ तूने अगर किसी, तुम किसी पर नजर डालते हो तो तुमने व्यभिचार कर दिया। व्यभिचार, व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं। नजरें जो होती है हमारी, किस प्रकार जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम मार्केट में निकलते हैं, जब हम किसी जगह पर हम जा रहे होते हैं, किस प्रकार हमारी नजरें दौड़ती हैं। जब हम किसी स्त्री से बात कर रहे हैं या महिलाओं के लिए किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, किस प्रकार, कहां पर आपकी नजरें होती हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं, वो व्यभिचार है। आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही बुरी बात है कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन मानते हैं आजकल के नौजवान। व्यभिचार है, बाइबल कहती है ये पुराना जीवन का हिस्सा है, ये व्यभिचार है। हमें, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रभु से माफी मांगनी है, प्रभु से माफी मांगे, ये वो पाप है जिसके बारे में बाइबल सबसे ज्यादा बात करती है, व्यभिचार, अशुद्धता। यहां पर भी व्यभिचार के एक दूसरे उसको लिया गया है, अशुद्धता भी व्यभिचार को ही यहां पर दर्शा रही है। व्यभिचार शारीरिक रीति से नहीं बल्कि आंखों से, मन से, वासना, बुरी लालसाओं से भरे जीवन को जीना, बुरी लालसाओं को, शारीरिक इच्छाओं के प्रति उनकी काबू में अपने आप को दे देना और शारीरिक वासनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग रीति से अलग अलग कार्यों को करना। जितने नौजवान हैं यहां पर इस बात को समझ सकते हैं, वासना से भरा जीवन जीते हैं और वो वासनाओं को खींचती है फोन के अंदर बुरी चीजें देखने के लिए। उसे देखते उसके बाद फिर वो अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ ये है, व्यभिचार अपनी देह के साथ खिलवाड़ है और परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने के समान है। बुरी लालसा, बुरी इच्छा रखना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। और वचन कहता है तुम किसी और की चीज का लालसा नहीं रखना, बुरी लालसा रखते हैं। लोभ, लोभ हमारे अंदर बहुत ज्यादा काम करता है, लोभ। और कहते हैं लोभ को, जो क्या है, लोभ मूर्ति पूजा है। बाइबल कहती है लोभ मूर्ति पूजा है, लोभ के अंदर फंसे होते हैं। लोभ, ज्यादा पैसे कमाने का एकदम जुनून होता है, मुझे पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। कमाओ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से, ईमानदारी के साथ में। पैसे, लोभ क्या करता है, लोभ हमें किस ओर लेके जाता है, लोभ ही हमसे बेईमानी करवाता है। हम बेईमानी करते हैं अपने काम में, लोभ हमें कई सारे पापों की ओर हमें ढकेल देता है। परमेश्वर हमारे हाथ के काम पर बरकत देता है, ईमानदारी से किए गए काम के ऊपर बरकत देता है। बेईमानी से हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, दिन रात मेहनत क्यों ना कर ले, दिन रात एक क्यों ना कर दे, कितना भी आप कमा ले, उसके ऊपर आप परमेश्वर की बरकतों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसे कमाने के लिए लोभ, लालच, झूठ, बेईमानी की है। और वो पैसा जो आपने कमाया है, जितनी जल्दी आपने कमाया उतनी जल्दी उससे भी फास्ट वो लग जाता है, वो निकल जाता है, वो बह जाता है। लोभ को बाइबल मूर्ति पूजा कहती है। लोभ, इससे बचिए। लोभ, व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, ये पुराना जीवन है। अगर आज भी ये हमारे अंदर पाया जाता है तो हम आज पुराना जीवन ही जी रहे हैं। हमने नए जीवन को धारण ही नहीं किया, हमने पुराने जीवन को त्याग
करा ही नहीं, इसी वजह से हम अपने जीवन में उस क्रूस के विश्राम को, उस क्रूस की आजादी को हम महसूस नहीं कर पाते। इन्हीं के कारण 3:6 में लिखा, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। इन चीजों के कारण, पुराने जीवन के कारण, जो पुराने जीवन में हम जो करते थे मसीह में आने के बाद कुछ समय तक सही चले, फिर से पुराने जीवन की ओर हम खींचे चले गए और अपने आप को हमने उसके काबू में कर दिया। इन्हीं चीजों के कारण हम प्रकोप को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हम जब ये बोलते हैं ना कि पता नहीं क्यों मेरे जीवन में शांति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा दुख सा मैं महसूस करता हूँ, मेरे परिवार के अंदर में इतनी सारी पीड़ाओं को मैं देखता हूँ, मेरे बच्चों के जीवन में इतनी सारी चीजों का सामना मुझे करना पड़ता है, क्योंकि पुराना जीवन सच में त्यागा नहीं है। हर वो कार्य जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती हमें अपने जीवन से निकालना है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने अपना पुराना जीवन त्याग दिया है और हम नए जीवन में चल रहे हैं। संसारिक कार्यों के प्रति मर जाना है, खत्म हो जाना है, मसीह के लिए जीना है, मसीह में ही जीवन है। और जब तुम साथ में और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। परमेश्वर अपेक्षा करते हैं जब हम नए जीवन को प्रभु से पाते, अपना विश्वास प्रभु पर लाते, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में पाते, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, जो कि हमें बनाने का उद्देश्य भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी चीजों को हमारे लिए बनाया है, सारी चीजों को, संसार की सारी चीजों को हमारे लिए बनाया, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए सिर्फ एक ही चीज को बनाया, वो हम हैं। और पुराने जीवन के चिन्हों से भी अपना पीछा छुड़ाओ। कई बार पुराने जीवन के काम हम छोड़ देते हैं लेकिन उनके कुछ कुछ निशान उसमें दिखते रहते हैं, परंतु अब तुम इन सबको अर्थात क्रोध स्वाभाविक चीज है, बाइबल में बताती है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध और क्या है, रोष, दूसरों के प्रति बदले की भावना, यह हमारा काम नहीं है। न्याय करना परमेश्वर का काम है। बाइबल तो हमें यह सिखाती है कि हम जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है या जो आपको गालियां देते हैं, आपको सताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना दे। अपने पड़ोसी से तुम अपने समान प्रेम करो। बदले की भावना नहीं, नए जीवन का प्रकटीकरण ऐसा दिखाई देता है। बैर भाव, किसी से बैर मत रखो। और क्या है, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। क्या कर दो, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। गालियां बकते हैं आज भी, इधर आके भजन गाते हैं, बाहर जाकर गालियां देते हैं। ये कितनी अजीब प्रकार की हिपोक्रेसी है, पाखंड है। इसको पाखंड ही कह सकते और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इधर आके ताली बजा के भजन गाते हैं हम, और घर पे किसी ने क्या बजा, थोड़ा सा कुछ क्या बोल दिया, हमारा पुराना जीवन के साथ फिर से तार जुड़ जाते हैं। पुराना वाला प्लग एकदम जिंदगी में तैयार है ना, भीतर में रखा हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर से अपना पुराना जो प्लग है पुराने जिंदगी के साथ जुड़ जाता है और फिर से फराटेदार गालियां मुंह से आती है। क्या आती है, फराटेदार गालियां। गालियां बकना पुराने जीवन का चिन्ह है। हमें हंसी आ रही है लेकिन ये गंभीर बात है। पुराने जीवन के चिन्हों से भी हमें आजाद होना है। एक घर में हम प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे, और अंकल वो विश्वास में है, वो भी प्रार्थना कर रहे और दुष्ट आत्मा को गालियां दे रहे। मैं बोला अंकल ये गालियों से नहीं निकलने वाले, प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करो। गालियां बकना छोड़ दीजिए। गालियां देना ये दिखाता है कि हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि आज भी हम पुराने मनुष्यत्व को, जो कुर्बान कर दिया गया था, जो खत्म कर दिया गया था, हम फिर से उसमें घुस रहे हैं। परमेश्वर जो आपको शांति की ओर लेके जाना चाहता है और आप जो बार बार अपने पुराने जीवन के साथ चलना चाहते हैं, तो कहां से प्रभु की उस आजादी को जो क्रूस पर हमारे लिए दी गई थी, कहां से महसूस करेंगे? आप लोगों को, आप लोग सबको, हम सबको लग रहा होगा
यार मसीह जिंदगी कितनी टफ है, कितनी मुश्किल है। पुराने जीवन में जाने का मन तो नहीं कर रहा क्या? परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब अपना जीवन उसके कंट्रोल में दे देते हैं, पवित्र आत्मा के अधिकार में जब हम अपने आप को दे देते हैं, हालेलुया, तब हम नए जीवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, जब उसके अधिकार में हम अपने आप को दे देते हैं, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है पाप से लड़ने के लिए। चाहे वो गाली बकने का पाप हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो व्यभिचार का हो, कोई भी पाप क्यों ना हो, जब हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देते हैं, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं, हालेलुया, तब शैतान आपको हरा नहीं सकता। जब तक पुराने स्वामी के अधिकार में रहोगे तब तक वो राज करेगा, लेकिन प्रभु ने उसके जुए को तोड़ दिया है ताकि हम एक नए आजादी के जीवन को जिए। बार बार जुए के पीछे, पुराने जुए के नीचे मत जाया करो। अब जैसे हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है, पुराने जीवन को त्याग दिया है, हमें वैसे नया जीवन को धारण भी करना है। उस नए जीवन को हमें पहनना भी है, नए मनुष्यत्व को हमें पहनने की भी जरूरत है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, 3:10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। नया जीवन को धारण करो। नया जीवन कैसा बनता जाता है? सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार। इसमें यूनानी, यहूदी, खतना रहित, बर्बर, स्कूती, प्राधीन और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु सब मसीह सब कुछ है और सब में है। नए जीवन पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है, वो क्या करता जाता है, वो मसीह के स्वरूप में ढलता जाता है। किस स्वरूप के अनुसार बनता जाता है? वो स्वरूप जो हमें उत्पत्ति 1:26 में याद आता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। हालेलुया। वो स्वरूप जिसका त्याग किया गया, जिसका तिरस्कार हमारे द्वारा किया गया था क्योंकि हमने पाप किया था, मसीह के द्वारा क्रूस पर कुर्बानी देने के द्वारा हमारे पाप को क्षमा करते हुए वो स्वरूप जो हमें शुरुआत में दिया गया था, वही स्वरूप हमें फिर से मसीह के द्वारा दिया जा रहा है। हालेलुया। वही है नया जीवन। 3:12 में देखिए, अतः परमेश्वर के उन चुने हुओं के दृश्य जो पवित्र और प्रिय है, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। नया जीवन को धारण करो। नया जीवन क्या है? नया जीवन में व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर के, अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में ढलता जाता है, जो कि 3:10 के अंदर ही लिखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में वो ढलता जाता है, जो कि प्रभु की आज्ञा भी है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। ऊपर जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनका त्याग करके मसीह के स्वरूप को धारण करना, यानी कि उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में बढ़ते जाना। मसीह का व्यवहार क्या है? उसके अंदर सहानुभूति को हम देखते हैं, हमदर्दी को हम देखते हैं, हालेलुया, करुणा, दया को हम देखते हैं। हमारे अंदर दया होनी चाहिए। पौलुस हमें साफ रीति से कह रहा है, प्रभु के जैसे बनते जाओ, मसीह के जैसे बनते जाओ, उसके स्वरूप में ढलते जाओ। दीनता, अपने आप को दीन करो। अलग अलग चीजों के द्वारा हम घमंड से भरे रहते हैं, कोई ज्ञान के द्वारा, देखो मैं पास्टर हूं, मैं अच्छा गा भी लेता हूं, है ना, मेरी अच्छी जान पहचान है। घमंड, ज्ञान के द्वारा घमंड, सुंदरता के द्वारा घमंड, अपनी समझ के द्वारा घमंड, अपनी पहुंच के द्वारा घमंड, अपने रिश्ते मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ में है उसके द्वारा घमंड, मेरे पास देखो ये है वो है इतनी सारी चीजें हैं उसके द्वारा घमंड। परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, ऐसे लिखा है, उसने राजा होते हुए भी अपने आप को राजा के समान नहीं समझा। दीन, वो दीन हो गया हमारे लिए। हालेलुया। दीनता को धारण करो। घमंड में हम अपने जीवन को जीते हैं, पुराने जीवन का चिन्ह है ये, इससे आजाद होना है। दीनता हमें प्राप्त करनी है, प्रभु के अनुग्रह से, उसकी सामर्थ्य से ये हो पाएगा।
इनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है कि आप खुद की सामर्थ्य प्राप्त कर पाओगे या खुद के बल से या खुद के ज्ञान से आप इसे प्राप्त कर पाओगे, नहीं, ये प्रभु के द्वारा हमें मिलेगा। सहानुभूति, करुणा, दीनता प्रभु के ओर से हमें मिलता है। ये पवित्र आत्मा के फल हैं जो हमें पवित्र आत्मा की अधीनता में चलने के द्वारा, उसके अधीनता में अपने आप को देने के द्वारा, पाप से नाता तोड़ने के द्वारा हमें प्राप्त प्रभु के अनुग्रह से मिलते हैं। हालेलुया। हमारी मेहनत से नहीं, हमारा उद्धार, हमें नया जीवन हाथ की मेहनत से नहीं मिलता, हम कर्मों के द्वारा से प्राप्त कभी नहीं कर सकते। बाइबल साफ बताती है ना, हमारे कर्म प्रभु के सामने मैले चिथड़े के समान है। हमें प्रभु के साथ, प्रभु के सामने अपने आप को सौंप देना है, वो हमें इन चीजों से भरेगा। विनम्रता और सहनशीलता धारण करो, सहनशीलता धारण करो। और आगे देखिए क्या लिखा है 13 में, और यदि किसी पर किसी को दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की क्या करो, क्या कर लो। ओ बाबा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल लगता है। सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता की सीमा क्या हो, अगर तुम्हें किसी पर दोष देने का कारण है, सहलो उसे, मत दोष दो, सहलो। बहुत सामर्थ का काम है। मैंने आपको कहा ये सामर्थ, सामर्थ्य प्रभु से मिलती है, यीशु से मिलती है। हालेलुया। अपने बल से आप इसे नहीं कर पाओगे। जब तक हम अपने बल से इसे करने की कोशिश करते रहेंगे, हम गिरते रहेंगे, हम पड़ते रहेंगे, हम निराश होते रहेंगे। लेकिन जब हम प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, प्रभु के कार्य को अपने जीवन में होने देंगे, प्रभु जैसा तू मुझे बनाना चाहता है वैसा तू मुझे बना, हालेलुया। और वो तो हमें अपने स्वरूप में बनाना चाहता है, वो तो अपने स्वरूप में हमें डालना चाहता है, हालेलुया। तब ये सहनशीलता भी आ जाएगी। और ये सहनशीलता का स्तर इतना ऊंचे स्तर, किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो तुम सह लो। सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। मसीह में जो नए जीवन को धारण करता है, जो नया जीवन पाता है, हालेलुया, वो मसीह के चरित्र में बढ़ता है और वो सहनशीलता को अपने जीवन में पाता है। दोष देने का कारण हो तो दूसरे की सह लो। क्षमाशीलता, क्षमा करने की सामर्थ्य प्रभु से हमें मिलती है नए जीवन में जब हम चलते हैं, हालेलुया। नया जीवन ऐसा होता है, इसमें सहनशीलता, क्षमाशीलता, नम्रता, दीनता, विनम्रता होती है। क्या हमारे अंदर ये गुण पाए जाते हैं? क्या हमारे अंदर ये बातें पाई जाती हैं? क्या हमारे अंदर ये चरित्र, ये व्यवहार पाया जाता है? अगर नहीं तो प्रभु से आज यही कहना, प्रभु इस पुरानी जिंदगी से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मेरी सहायता कर। और याद रखिए, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा लड़ने के लिए। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे। अब ऐसा प्रभु, अगर हम ऐसे कहें प्रभु मेरे, मुझे व्यभिचार की बहुत तगड़ी आदत है, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद कर, और जब मुझे मौका मिलता है मैं व्यभिचार कर लेता हूँ, ऐसी जीवन से हमें कोई आजादी नहीं मिलने वाली। व्यभिचार से अगर मुझे लड़ना है, मुझे प्रभु के वचन को याद करने की, याद रखने की, उस पर आचरण करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें उस परिस्थिति से लड़ने की जरूरत है। जब मन कहे कि ये पाप तू कर, अपने मन से दाऊद के समान कहना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हालेलुया। अपने मन को कमांड देना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, तब आप उससे निकल पाओगे। ये तरीका है पाप से लड़ने का। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है कि वो हमारे साथ में लड़ाई में हमारी मदद करे, हालेलुया। नए जीवन को धारण करना मतलब मसीह के चरित्र को प्रकट करना। आपने नया जीवन पाया है तो उस नए जीवन को प्रकट करो, हालेलुया। अर्थात मसीह के चरित्र को आप प्रकट कीजिए आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में, आपके कर्मों में, आपके उठने बैठने में, आपकी भाषा में यीशु मसीह दिखना चाहिए। ये है नया जीवन को धारण करना। 14 से 17 में हमें
इस बात को देखते हैं किस प्रकार मसीह के चरित्र को हम प्रकट कर सके कर सकते हैं। 3:14 में इन सबके ऊपर प्रेम को जो एक तरह से बंध है धारण करो, प्रेम करने वाले बनो, प्रेम को धारण करो। किसके प्रेम को? परमेश्वर के, मसीह के प्रेम को। हालेलुया, अब मसीह के प्रेम की सीमा को आप जानते हैं जो हमने पीछे वचन में देख चुके हैं। प्रेम को धारण करो जो एकता का सिद्ध बंध है। हालेलुया, प्रेम जो हमें एक हमें एकता में बांधे रखता है उस प्रेम को हम धारण करें। ये मसीह के चरित्र को प्रकट करना है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए हो। मसीह की शांति हमारे हृदयों में हो। हम बार बार रोना छोड़ दें जीवन के हालातों पर, और ये बात जान लीजिए कि परमेश्वर में हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन हम परमेश्वर ने हमें हर परिस्थिति में विजय दे दी है, हम जीत चुके हैं। अपने हृदय में उसकी शांति को प्रकट करें। हालेलुया, जब भी जीवन में कठोर परिस्थिति आती है हंस के इसका सामना करें। हंस के सामने करने का मतलब उसकी शांति को अपने हृदय में प्रकट करें। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए हो। देह मतलब एक कलीसिया में तुम एकजुट किए गए हो, तुम बुलाए गए हो। प्रभु का जीवन को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, वो प्रार्थनाओं में अनुशासित थे। चाहे वो दिन भर कितना भी काम करते, प्रार्थना उनके जीवन का हिस्सा थी। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु उस कार्य को कर रहे हैं जो स्वर्ग का कार्य, जो प्रभु हमसे चाहता है वो करते हैं। जब हम कलीसिया आते हैं, ये चरित्र है, नए जीवन का प्रकटीकरण है। जब हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु आराधनालय में जाकर, पहाड़ पर जाकर रात रात भर प्रार्थनाओं में समय बिताते थे। लेकिन हम गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रार्थना में प्लीज जरूर आया करें। बहुत कम लोग होते हैं, क्यों नहीं आते? ये कलीसिया में आना, सभा में आना, प्रार्थना में आना, ये नए जीवन का प्रगटीकरण है। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े, हम प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें। ये नए जीवन का प्रगटीकरण है। मसीह को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। नए जीवन का प्रगटीकरण है। मसीह को अपने हृदय में बहुतायत से, मतलब सर्वप्रथम आपके हृदय में जो जगह होनी चाहिए वो मसीह के लिए होनी चाहिए, प्रभु के लिए होनी चाहिए, ना तो आपके काम की, ना किसी इस संसारिक चीज की। मसीह आपके हृदय में, हमारे हृदय में बहुतायत से बसना चाहिए। क्या हमारे जीवन की प्राथमिकता, क्या हमारे हृदय में सर्वप्रथम मसीह आता है? क्या हमारी प्रायोरिटी यीशु मसीह है? क्या है हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकता हमारे जीवनों की? अगर मसीह नहीं है तो हमें, हमारे लिए बहुत एक बहुत ही बेकार बात है। हमने संसारिकता को अपने जीवन में प्राथमिकता दी हुई। प्रभु हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए, हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन की प्राथमिकता है? हम अपने आप से सवाल करें। हमारी प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है। धन कमाना मेरी प्राथमिकता हो सकता है, या किसी और, मुझे घर बनाना है, मुझे मकान बनाना है, बस मुझे वो ही दिखाई दे रहा है, मेरी प्राथमिकता हो सकती है। एक भाई है, उसके जीवन में एक ही धुन सवार है, उसको अमीर होना है, उसको अमीर बनना है। और मैं बीच बीच में उसको फोन करता हूं, क्यों नहीं आए भैया, मैं बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं। ये दिखाता है कि मसीह हमारे जीवन की प्राथमिकता नहीं है। मसीह को हम अपने हृदय में बहुतायत से बसने दें। नए जीवन का ये प्रकटीकरण है। हम अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को रखते हैं, ना अपने परिवार को, ना हम अपने काम को, ना धन को, ना अपनी पहचान को, किसी भी चीज को नहीं। हमारे लिए सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए। क्या हमारी प्राथमिकता
प्रभु यीशु मसीह है, अपने आप से आप पूछ सकते हैं, क्या मेरे जीवन की प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह है? नौजवान आजकल बहुत ज्यादा YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, रील्स बनाना, गेम्स खेलना, पबजी दुनियावी चीजों के अंदर घुसे पड़े हैं। आपने अपनी प्राथमिकता को खो दिया है और इसकी वजह इसका आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। इससे पहले वो परिस्थिति आए, मसीह की ओर वापस लौट आइए, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपके हाथ बाइबल पे जाते हैं या फोन पे जाते हैं या टीवी के रिमोट पे जाते हैं, किस चीज पे? मसीह हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। और समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है, वो चेतावनी देता है, सिखाता है। जब कोई किसी को भटकते हुए वो देखता है, वो उसको सचेत करता है, भाई इस ओर नहीं, ये गलत रास्ता है, चेतावनी उसको देता है। क्या हम इस प्रकार की जिम्मेदारी अपने जीवन में निभा रहे हैं? किसी को सचेत करना, किसी को बैठा के समझाना, प्रभु के वचन से संपूर्ण ज्ञान सहित, समस्त ज्ञान सहित उसको बैठा के उसको समझाना, उसके जीवन की परिस्थितियों को समझना, उसको सलाह देना, क्या हम करते हैं कभी? हमें करना है। ज्ञान को प्राप्त की, प्रभु के वचन को सीखो, ताकि हम लोगों के जीवनों की जो परिस्थितियां हैं उनको वचन के अनुसार डील कर सके। कई बार ऐसा होता है जब कोई किसी अपने जीवन की सिचुएशन को लेकर आता है, तो हम ये क्या, इसको सलाह दूं मैं, कैसे क्या बोलूं, समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि हम उसकी सिचुएशन, उसकी परिस्थिति के अनुसार हम प्रभु के वचन के द्वारा उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उस वचन का ज्ञान होना जरूरी है, उस वचन का पता होना जरूरी है। जब वचन का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, तो आप क्या उसकी मदद कर पाएंगे? आज आप जिसको भी मिलो, आप बाहर जाओ, आप काम करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, पार्क में जब घूमने जाते हैं, आपकी मुलाकात लोगों से होती है, रिश्तेदारी में जब आप जाते हैं वहां पर लोगों से मुलाकात होती है, सबकी जिंदगी में दुख, पीड़ा, कष्ट भरे हुए हैं, सब कोई परेशान है, शांति नहीं है, और शांति को प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन सच्ची शांति जो मसीह में है वो हम उन्हें दे सकते हैं। उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है। पढ़िए वचन को, जानिए वचन को, सीखिए वचन को। अगर आप सीखना चाहते हैं, संपर्क करें, बताएं मुझे, हम करेंगे कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए। एक अलग से क्लास आपको चाहिए, कोई बात नहीं, करेंगे। वचन को सीखिए, ताकि संसार के अंदर जो लोग दुख में, पीड़ा में, असमंजसता में जीवन जी रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी मदद हम कर सके, उनकी सहायता हम कर सके, समस्त ज्ञान सहित उन्हें चेतावनी हम दे सके, ना सिर्फ कलीसिया में बल्कि कलीसिया से बाहर भी। हालेलुया। एक नया जीवन जो व्यक्ति धारण करता है, जो मसीह को पहन लेता है, हालेलुया, उसका जीवन दूसरों की चिंता करता है, वो दूसरों की चिंता करता है, दूसरों के प्रति दया को दिखाता है, और उसे चेतावनी देता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ वक्त बिताता है। हम कितने कितने लोगों के साथ वक्त बिताते हैं प्रभु के वचन को लेकर, या हम जब किसी से मिलते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से, हमारे क्या किस टॉपिक पे बात होती है, हम किस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं? कई बार होते ना, ओए भाई साहब, नमस्कार नमस्कार, ओके ठीक है, देखिए भाई साहब बढ़िया है, हाँ जी बढ़िया, अरे वो नेटफ्लिक्स पे वो एक नई वेब सीरीज आई, पता है, देखी देखी, वही क्या गालियां देता है ना मनोज वाजपेयी, डिस्कशन मतलब क्या डिस्कशन होता है जब हम लोगों से मिलते हैं। आज मैं वहां पे गया, मैंने वो चीज देखी, भाई साहब चलोगे मेरे साथ, लेना नहीं है देखना है, चलोगे? टाइम वेस्ट किस प्रकार करते हैं हम, क्या किन बातों पर जब हम लोगों से मिलते हैं? वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो, लोगों से मिलते हैं, एक एक सेकंड कीमती है। वो लोग प्रभु को नहीं जानते और नरक की ओर जा रहे हैं, क्या इस बात की चिंता है हमारे अंदर, क्या इस बात की टेंशन है हमारे अंदर? हमें ये खोज
उस हमें मौके की तलाश रहनी चाहिए कि मैं इस भाई को कैसे प्रभु का वचन सुनाऊं, कैसे मुझे शुरुआत करनी है। और चालाक प्रभु आपको वो बुद्धि, वो चालाकी, वो ज्ञान आपको देगा कि उसके साथ आप वचन को शेयर कर सको। लेकिन हम जब मिलते हैं लोगों से, हमारा डिस्कशन संसारिक चीजों के ऊपर रहकर बस सीमित रह जाता है। आपके अंदर बोझ होना चाहिए जब आप किसी से मिलते हैं, आपको आपके अंदर एक गहरा दुख होना चाहिए कि यार आज मैं उससे मिला था, मैं इसको सुसमाचार नहीं सुना पाया। हाँ, हर परिस्थिति उस अनुकूल नहीं होती है, लेकिन हमें कोशिश हमेशा करते रहना है। हमेशा हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये व्यक्ति नए जीवन को प्राप्त करे जैसे मैंने प्राप्त किया, ये व्यक्ति नरक में जाने से बच जाए प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। हृदय में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, आराधना करो परमेश्वर की। 17 में वचनीय कार्य से जो कुछ करो प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचनीय कार्य से जो कुछ करो, आत्मिक क्षेत्र में वचनीय कार्य से जो भी आप करना चाहते हो प्रभु के नाम से कीजिए। हालेलुया। प्रभु को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को कीजिए। संसारिक कार्य भी अगर हम कर रहे, अपनी नौकरी, अपना काम हम कर रहे हैं, प्रभु को ध्यान में रखते हुए करें।